जय हिंद। देखिए, ब्लड के पार्ट वन में हम आपको ब्लड के बारे में बता दिए थे, जिसमें हम RBC, WBC, प्लेटलेट, उसके साइज, घटने बढ़ने, ये सब के बारे में समझा दिए थे, उसके यूज को। ब्लड के पार्ट टू में हम आपको क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बता दिए थे, ब्लड कैसे जमता है, प्रोथ्रोम्बिन वगैरह के क्या क्या काम है। अब हम इस पार्ट थ्री में ये देखते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत सिंपल तरीके से हम आपको समझाते हैं, एकदम उस तरह जैसे एक डॉक्टर को बताया जाता है। हम आपको एज ए स्टूडेंट की तरह नहीं, मतलब जो मेडिकल के डॉक्टर होते हैं ना उनकी तरह एकदम ओरिजिनल बताते हैं आपको। देखिए कैसे, जो ब्लड ग्रुप है ना, इसके बारे में पहले समझिए, लैंडस्टीनर एंड वीनर ने खोजा था। एक्चुअली अब जनरल कॉम्पिटिशन के ये भी पूछ देता है कि किसने खोजा था, तो ये तो लैंडस्टीनर एंड वीनर ने इनको खोजा था। जो ब्लड होता है बाबू, वो हम आपको पार्ट वन में बताए थे, उसका 60% भाग प्लाज्मा होता है, बाकी 40% भाग रुधिराणु होता है, और उस रुधिराणु में RBC होता है। हालांकि इसमें WBC प्लेटलेट भी होते हैं, लेकिन वो हम पार्ट वन में आपको पढ़ा दिए। यहां मेरा मेन फोकस रहेगा कि आपको बेहतरीन ढंग से ब्लड ग्रुप समझा सके। तो देखिए, अभी आप बस इधर ध्यान दीजिएगा कि उधर प्लाज्मा हो गया और इधर RBC, इधर WBC प्लेटलेट छोड़ दीजिए, उस सबसे काम नहीं है। प्लाज्मा क्या होता है, वो लिक्विड वाला भाग होता है, और RBC क्या होता है, वो पार्टिकल्स, कण की तरह होता है, उसी में तैरते रहता है। जिस तरह चाय में चाय पत्ती तैरता है ना, उसी तरह प्लाज्मा में RBC तैरता है। अब बात करते हैं जो लिक्विड वाला पार्ट है ना प्लाज्मा, उसमें एक एंटीबॉडी प्रोटीन पाया जाता है, उसे स्मॉल ए और स्मॉल बी से दिखाया जाता है। दो तरह के प्रोटीन होते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, उसका साइज इस तरह से होता है। हालांकि जब इसका साइज को बताएंगे तो केवल इसके एक स्पाइक यानी एक वाई वाले हिस्से को लेते हैं, इतना बड़ा फिगर नहीं बनाते हैं। तो आपसे कोई कहेगा कि एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कहाँ पाया जाएगा, प्लाज्मा में। हम आपको पार्ट टू में बताए हैं कि WBC में एंटीबॉडी पाया जाता है, तो आप वहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम वहाँ 6 पार्ट लिखे थे और बोले थे 5 ही पार्ट, तो आप पार्ट टू में थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिएगा इसको। अगर आपसे कोई कहेगा कि एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब हम ये इसको हटाते हैं, इसको ध्यान से रखिएगा, अभी काम आएगा। अब बात करते हैं RBC में। RBC को रेड सेल कहा जाता है, इसका आकार गोल होता है, आपको बताए थे। इस RBC के बाहर एक एंटीजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और यही एंटीजेन जो होता है ये ए बी होता है, इसको भी, बट इसको कैपिटल ए या कैपिटल बी कहते हैं, और एंटीजेन को स्मॉल ए स्मॉल बी कहते हैं, ताकि समझने में कंफ्यूजन ना हो। देखिए, यही एंटीजन क्या कर देता है, ग्रुप का निर्धारण कर देता है। तो आपसे दो क्वेश्चन यही बन जाते हैं कि किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का जो डिटरमिनेशन किया जाता है, वो एंटीबॉडी के आधार पर किया जाता है कि एंटीजन। तो पहला एंटीजन, दूसरा कहेगा कि एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, WBC RBC कहाँ पाए जाएंगे, तो RBC में यानी रेड ब्लड पे पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे ये, यानी RBC यानी रेड ब्लड सेल के बाहर पाए जाते हैं। तो अब चलिए हम लोग ग्रुप को देखते हैं कि कैसे डॉक्टर पता कर लेता है कि ग्रुप आपका ए है कि बी है। एकदम सिंपल तरीका है, 1 मिनट लगता है ग्रुप पता करने में, किसी के ब्लड ग्रुप को 1 से 2 मिनट में आराम से पता कर लेते हैं। कैसे, तो समझिए, देखिए, पहले तो हम ये आपको बता देते हैं डॉक्टर कैसे चेक करता है। आपका एक बूंद ब्लड निकालता है, उसको 2 शीशे के ऊपर रख के उसको पतला करता है और माइक्रोस्कोप से देख के आपको बता देता है। अब हम ये देखते हैं कि ससुराल वो देखता क्या है, और क्या हमको माइक्रोस्कोप मिल जाए तो हम बता देंगे कि नहीं। आपको गारंटी देते हैं इस वीडियो लेक्चर के बाद आप भी अपना ब्लड ग्रुप खुद चेक कर सकते हैं, केवल और आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत है, क्योंकि उतने छोटे चीज को आप ऐसे नंगी आंख से नहीं देख सकते। देखिए, एक चीज तो पता है आपको कि जो एंटीजन के जिसके आधार पर हम लोग ब्लड ग्रुप बनाते हैं, वो रेड सेल पर पाया जाता है, और एंटीबॉडी जो होता है वो प्लाज्मा में पाया जाता है, जिसमें ये RBC तैरते रहता है। अब हम बात करते हैं ग्रुप ए का। ब्लड ग्रुप ए किसे कहेंगे, तो देखिए पता कैसे चलेगा, तो उसके ब्लड का हम RBC देखेंगे। आपको पार्ट वन में हम बता दिए थे RBC का आकार गोल होता है। इस RBC के बाहर ए के समान, देखिए ए ऐसे ही लिखा जाता है ना, ए ऐसे काट दीजिएगा तब ना ए बनेगा, तो आप शॉर्टकट समझिए कि ए के समान ऐसे त्रिभुज के समान ऐसे निकला रहेगा, तो वो इसी को देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा कि वो कौन सा एंटीजन है। ए एंटीजन है, कैपिटल ए एंटीजन है, और जिसमें एंटीजन ए पाया जाएगा उसका ग्रुप कौन सा हो गया, ए। तो आप ब्लड ग्रुप ए निकाल लेंगे, उसके कैसे निकालिएगा, उसका RBC को देखिएगा, उसके बाहर अगर ए के समान, अगर त्रिभुज के समान बना हुआ है तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए। लेकिन ये ब्लड ग्रुप ए ये तो एंटीजन को दिखा रहा है,
और ये आरबीसी किस में तैर रहा होता है, एक पानी में तैरता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। उसमें कोई ना कोई एंटीबॉडी पाया जाता है, तो उस एंटीबॉडी का शक्ल ऐसे होता है। तो हम आपको बताए थे कि इसका एक ही शेप को लिया जाता है ताकि फिगर आराम से बन सके। तो ध्यान दीजिएगा कितना होशियारी किया है प्रकृति यहाँ पर। ये जो वाई शेप का है ना एंटी, इसे क्या कहते हैं एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी जो बी है, जो लिक्विड भाग है जिसमें ये एंटीजेन यानी आरबीसी तैर रहा है, इसके मुंह को देखिएगा ना तो ये कर्व के समान है, ये ए के समान नोकीला नहीं है बल्कि ये बी, जिस तरह एबीसीडी में बी लिखिएगा तो बी को ऐसे कर्व बनाइएगा ना, तो ऐसे ही ये कर्व के समान बनाया गया। यहाँ पर ये कर्व रहता है तो ये कर्व हो गया यहाँ पर। तो इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, बी। तो देखिए आपको डॉक्टर ये नहीं चेक करता है, डॉक्टर ये चेक करता है कि स्लाइड बनाएगा, दो बूंद ब्लड लेगा, एक के ऊपर एक शीशा करके उसको पतला करेगा और माइक्रोस्कोप से देख लेगा कि अगर इसके आरबीसी के बाहर ऐसे ए के समान आकृति बना है इस तरह से, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ए। और जिसमें ए ब्लड ग्रुप होता है यानी जिनमें ए एंटीजन होता है ना, उसमें बी एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी को स्मॉल से दिखाते हैं। अब आप बताइए अगर ये कर्व न रह के त्रिभुज बन जाता तो ये वाला जो इस ये नोकीला हिस्सा है इसमें जाके फंस जाता, और जब फंस जाता तो ये इसको बहने में दिक्कत होता क्योंकि ये कण के समान होता है, आरबीसी है, दिक्कत हो जाता फंस जाता। तो याद रखिएगा अगर एंटीजन ए है तो उसके साथ एंटीबॉडी बी आएगा, बी में इस तरह कर्व बना रहता है तो ये बी कैसे बनाएगा कर्व, ये इसमें इसमें फंसता नहीं है। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप बी के बारे में। यह है ब्लड ग्रुप बी, बी के ऊपर ऐसे कर्व बना होता है। तो बताइए ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, एंटीजन। तो इसके बाहर जो एंटीजन पाया जाता है वो बी के समान कर्व बना होता है, जिस तरह से बी के ऊपर कर्व होता है वैसे ही इस पे कर्व बना होता है। अब आप बताइए ये आरबीसी तैरेगा किस में, प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी को स्मॉल से लिखा जाता है, यहाँ एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सा आ जाएगा, ए। अब आप बताइए ए कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल ए इस तरह लिखेगा कि नहीं लिखेगा, तो उसी तरह इसका जो मुंह होता है वो अंदर धंसा होता है, इसीलिए धंसा होता है कि यह जो आरबीसी है यानी जो एंटीजन है वो तैरेगा तो इसमें फंसेगा नहीं, वरना अगर इसी ए में ए एंटीजन पाया जाएगा तो उसी में आके फंस सकता है, तो ये भी आराम से तैर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप बताइए कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस पे होता है, एंटीजन पे। ए के समान रहेगा तो ए, अब बी के समान कर्व रहेगा तो बी। इतना समझ गए। अब ब्लड ग्रुप देखते हैं ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए भी रहता है और एंटीजन बी भी रहता है, यानी इस पर एक त्रिभुज के समान भी रहेगा और बी के समान कर्व भी रहेगा। समझ में आ गया। लेकिन इसके साथ एक खतरा है। खतरा क्या है कि अगर इसके साथ आप कोई एंटीजन देते हैं, मान लीजिए इस तरह का एंटीबॉडी देते हैं जिसमें ये ए वाला है तो ये इसमें फंस जाएगा, और मान लीजिए कि अगर आप इसमें ये वाला कर्व वाला देते हैं तो भी इसमें फंस जाएगा, यानी इसको ज़्यादा खतरा है। इसीलिए प्रकृति में देखा गया है कि जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है यानी जिनमें त्रिभुज और कर्व दोनों होता है, ये गलती से बहते दौरान प्लाज्मा के एंटीबॉडी में फंस न जाए, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी होता ही नहीं है। समझ में आया। तो इनमें एंटीबॉडी नहीं होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये ब्लड ग्रुप कौन हो गया, ए बी। अब हम चलते हैं ब्लड ग्रुप ओ के बारे में। ब्लड ग्रुप ओ में जो ग्रुप ओ है इसमें ओ इसलिए है क्योंकि ना इसमें ए है ना बी है, इसके कहने का सेंस होता है जीरो, लेकिन इसे ओ कहा जाता है क्योंकि इसमें ना ए होता है ना बी होता है, यानी इसके बाहरी सरफेस एकदम सपाट होता है। अब सपाट होने से फायदा ये है कि ये ए के शेप का एंटीबॉडी जिसे स्मॉल ए कहते हैं वो भी इसमें नहीं फंसेगा, और बी का जो शेप है कर्व जो बन गया रहता है इसे धंसा हुआ, ये भी इसमें नहीं फंसेगा। तो इसमें दोनों प्रकार का एंटी बॉडी पाया जाता है। समझ में आया। अब आप आरबीसी यानी ये गोल वाले का शक्ल देख के बता सकते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप है। अब एक बात बताइए, बीमारियों से रक्षा ये प्लाज्मा का एंटीबॉडी कर रहा था, एंटीबॉडी कर रहा था। अब जरा देखिए तो जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनमें ए वाला भी एंटीबॉडी है और बी वाला भी एंटीबॉडी है,
तो बायोलॉजिकल टर्म्स में ऐसा देखा जाता है कि जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनमें दोनों प्रकार के लड़ने वाले एंटीबॉडी उपस्थित हैं। समझ में? तब आप कहिएगा कि सर ब्लड ग्रुप ए बी वाले का क्या होगा। तो भाई ब्लड ग्रुप ए बी वाले के बाहर ए एंटीजन है और बी एंटीजन है, ये फंस ना जाए दोनों, इसलिए इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ये थोड़ा ज्यादा बीमार पड़ते हैं। समझ में आया? तो आप ब्लड ग्रुप देख के समझ सकते हैं। हम आप ही से कह देते हैं कि जैसे हम आपसे को एक यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ हम एक बना देते हैं, एक फिगर बना देते हैं। कहते हैं बताइए ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए, आराम से बता सकते हैं। अब आप बताइए ना, इसके बाहर हम कुछ भी नहीं बनाए हैं, तो ब्लड ग्रुप ओ, अगर हम कर्व बना दिए तो बी, कर्व के साथ साथ ये भी बना दिए तो ए, तो इसमें कितना टाइम लगेगा देखने में? मरीज से आप क्या निकालिए, ब्लड निकालिए, शीशे के स्लाइड पर ऐसे रख के पतला कर दीजिए ब्लड को, माइक्रोस्कोप से देखिए, अगर उसके गोल गोल, हम आपको पहले ही बताए थे गोल आकार आरबीसी का होता है, उसके बाहर एंटीबॉडी एंटीजन देखना है, ए के समान रहेगा तो ए, कर्व रहेगा तो बी, दोनों मिल गया तो ए बी, नहीं मिला तो ओ। समझा? अब जरा ध्यान से समझिए, आप ब्लड ग्रुप के बारे में समझ गए हैं, अब समझते हैं कि ब्लड ग्रुप ए वाले का अगर बी वाले को चढ़ा दे या बी वाले का ए को चढ़ा दे तो क्या होगा। देखिए ब्लड ग्रुप के आदान प्रदान के समय ग्रुप से कोई दिक्कत नहीं होता है, मेन दिक्कत ससुरा ई प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडिया कर देता है। कैसे, जरा ध्यान से समझिए, अगर हम किसी ब्लड ग्रुप बी वाले का ब्लड किसमें चढ़ा दें, ए वाले में, तो ध्यान दीजिए ये ग्रुप है ये इसमें टकराएगा ही नहीं, क्योंकि फंसने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखिए दिक्कत कहां आने वाला है, ये जो गोलका मुड़िया वाला बी है ना, ये इसके एंटीबॉडी में जाके फंस जाएगा, और इसका बी वाला का जो एंटीबॉडी का इसे कोना वाला खांच बना है इसके खोपड़िया में जाके फंस जाएगा, बस आपस में इस सब फंस जाएंगे सर, ये जाके फंस जाएगा इसमें और ये जाके फंस जाएगा इसमें, जहां आपस में फंस गए सब आपस में एकदम लसरा जाएंगे सब, तो ब्लड आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, और जब ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो व्यक्ति की मौत हो जाती है, इसीलिए एक ब्लड ग्रुप को मिला लिया जाता है। अब देखिए कभी ग्रुप ग्रुप नहीं मिलता है, वो जाके फंस जाता है किससे, एंटीबॉडी से फंस जाता है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्या ए का ग्रुप बी को दीजिएगा मर जाएगा, बी का देंगे ए को मर जाएगा, कैसे मरेगा कि जो जहां तहां ब्लड है ना उसी में फंस के रह जाएगा, ब्लड आगे नहीं बढ़ पाएगा। समझ में आया आपको, तो ये ब्लड ग्रुप समझ में आ गया आप लोगों को कि ब्लड ग्रुप कैसे निकालते हैं। ब्लड ग्रुप बेसिकली डिपेंड करता है एंटीजन पर, तो ये एंटीजन बाहर के हिसाब से होता है। सेम सेम में ब्लड ग्रुप चढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं कि ओ वाला किसी को दे दीजिए ए बी वाला किसी से ले लीजिए, एकदम मजबूरी में ये लिया जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको आरएच फैक्टर बताते हैं, आप सुने होंगे इनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है इनका निगेटिव है, ये आरएच क्या होता है इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर समझाते हैं। देखिए ये आरएच फैक्टर क्या होता है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वीनर, उन्होंने जब ब्लड ग्रुप देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये जो एंटीजेन है इसके बाहर एंटीजेन ए बी तो उपस्थित है ही है, कुछ और भी चीज उन्होंने देखा। ध्यान से देखिए आप, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा आप बताइए, ए के समान निकला तो ये कौन सा होगा बी, इतना तो समझ में आ गया होगा ना आप लोग को, ए बी बच्चा वाला चीज होता है ए बी पता करना, तो ये क्या है ए, ये क्या है बी, कैसे पता चला बता दिया आपको। जब वीनर ने एक बंदर को लिया, बंदर लाल मुंह वाला बंदर देखते हैं जिसका मुंह चेहरा लाल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं रीसस बंदर, अक्सर आते रहते हैं हम लोग के इधर रीसस बंदर, उसी रीसस बंदर के में उन्होंने जब रीसस बंदर का ब्लड ग्रुप देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ बंदरों का ब्लड ग्रुप ए है किसी का ब्लड ग्रुप बी है। अचानक उनको इन बंदरों के ब्लड में ना एक चौकोर सी आकृति दिखाई दी इस तरह से, तो इस चौकोर आकृति को देखकर वीनर जो थे कंफ्यूज हो गए, कहेंगे ससुरा ये गोल रहता तो बी बोल देते, ऐसे त्रिभुज के समान रहता तो ए बोल देते, ये चौकोर कैसे हो गया। तो दूसरे भी इस बंदर को देखे तो उन्होंने देखा नहीं भैया इसका ब्लड ग्रुप बी है, इसमें कोई भी चौकोर आकृति नहीं है। अब उनके मन में जिज्ञासा है, वो ढेर सारे बंदरों का ब्लड इकट्ठा किए और ए ब्लड ग्रुप ए है कि बी ये तो पहचान ही जा रहे थे, तो उन्होंने ध्यान से वो चौकोर वाली आकृति खोजना चालू किया, तो उन्होंने देखा कि कुछ बंदरों में ये चौकोर वाली आकृति है
अब कुछ बंदरों में ये नहीं है। तो ध्यान से समझिए, बायोलॉजी में जिसमें कोई चीज उपस्थित रहता है उसे कहते हैं पॉजिटिव, और नहीं रहता है तो निगेटिव। मैथ में अगर आपने पैसा आपका है तो पॉजिटिव, दूसरे से उधार लिए हैं तो निगेटिव। फिजिक्स में पॉजिटिव का मतलब दिशा सीधा है, और निगेटिव का मतलब दिशा उल्टा है। केमिस्ट्री में पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया है। लेकिन बायोलॉजी में पॉजिटिव का मतलब वो चीज़ है, जिस चीज़ की जांच कर रहे हैं वो है, और निगेटिव का मतलब जिस चीज़ की जांच कर रहे हैं नहीं है। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप निकला, पता चला कोरोना पॉजिटिव गए, निकल गया कोरोना निगेटिव, मैंने नहीं है। तो बायोलॉजी का जो टर्म्स होता है, अगर कोई चीज़ एब्सेंट है यानी अनुपस्थित है तो उसे कहते हैं निगेटिव, और अगर उपस्थित है प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव। तो वीनर ने देखा कि जिस रीसस बंदरों में ये चौकोर चीज था उसे कहा गया कि रीसस पॉजिटिव, क्योंकि पहली बार ये रीसस बंदरों में देखा गया था। अतः रीसस का पहला दो अक्षर लीजिए RH, जिसमें था वो पॉजिटिव। अब बताइए इसमें है नहीं, तो इसका RH क्या हो गया, निगेटिव। तो आप अपना ब्लड ग्रुप ऐसे ही निकालते होंगे, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव, अगर हम कह दें कि आप फिगर बनाइए, तो फिगर कैसे बनाएंगे, वीडियो को रोक कर आप तेरा फिगर बनाइए, पॉज कीजिए वीडियो को और कॉपी में फिगर बनाइए मेरे ब्लड ग्रुप का, मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। कैसे फिगर बनेगा, हम यहाँ बनाते हैं, देखिए आप, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो हमारे जो RBC है उसमें कोई किसी भी प्रकार का एंटीजेन उपस्थित नहीं है, तो ये मेरा ये क्या हो गया, ब्लड ग्रुप। और हम RH पॉजिटिव है तो हमारे ऊपर इस तरह से चौकोर वाली आकृति उपस्थित होगी। ये चौकोर आकृति किसको बताता है, RH को, समझ में गया। हम जल्दबाजी में बना दिए हैं, आप अच्छे से बनाइएगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये तो मेरा एंटीजेन हो गया, अब मेरा एंटीबॉडी कैसा बनेगा बताइए, इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजेन नहीं है तो मेरे में दोनों प्रकार का एंटीबॉडी है, मेरे में दोनों प्रकार का एंटीबॉडी है, ए भी है और बी भी है, और एंटीजेन किसी भी प्रकार का नहीं। अब मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, कौन सा है, ओ पॉजिटिव, तो ये वाला ना इसमें कर्व बना है और ना इसमें त्रिभुज बना है, तो इसका मतलब है ओ, और ये चौकोर बना है यानी रीसस पॉजिटिव है हम। तो ये पहली बार बंदरों में देखा गया था इसलिए इसका नाम RH रख दिया गया। ये RH पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव में ही देना चाहिए, वरना पॉजिटिव निगेटिव दे दीजिएगा तो आदमी की मौत हो जाती है। इतना समझ में आ गया आप लोग को, आप ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं, आप सब लोग अपने अपने ब्लड ग्रुप को निकालिए, फिगर बनाइए कि आपका ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा, फिगर बनाइए कि आपका RH कैसा बनेगा, फिगर ये बनाइए कि आपका एंटीबॉडी कैसा बनेगा, और अपना तो बनाइए करिएगा और उनका भी बना लीजिएगा जिससे फोनों पे बतियाते रहते हैं आप लोग, समझ में आ गया पूछ पूछ के। तो ये आप बना लेंगे फिगर में, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे समझाते हैं। आप ये सुने होंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसी को दे सकता है, यानी सर्वत्रिक दाता यानी डोनर कौन होता है, ओ। लेकिन एग्जाम में अगर डिटेल से पूछेगा ओ में से कौन सा ओ, तो ओ निगेटिव, ओ निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ओ ये बताता है कि इसके RBC के बाहर ना ए के समान त्रिभुज है ना बी के समान कर्व है, और निगेटिव ये बताता है कि ना चौकोर रीसस है, तो इसके बाहर तो कुछ है ये नहीं है, ससुरा किसी में चढ़ा तो कोई बवाले नहीं होगा, समझ आया। और रिसीवर यानी ग्राही किसे कहते हैं, AB को कहते हैं। AB को ग्राही क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके RBC के बाहर त्रिभुज के समान AB है और कर्व के समान BB है, और साथ साथ इसको पॉजिटिव कर दीजिएगा ना, AB पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके बाहर चौकोर वाला रीसस भी है, यानी इसके पास तीनों का तीनों चीज उपस्थित है, ये किसी से ले लेगा फरिया लेगा, कहेगा शांति से रहो हमको कुछ होना नहीं चाहिए। तो डोनर कौन होता है, ओ निगेटिव, और रिसीवर कौन होता है, AB पॉजिटिव। ये समझ में आ गया। अब एक समझिए, इस ब्लड को लेकर एक बीमारी होती है, उस बीमारी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है कि अगर एक कोई मेल है यानी पुरुष है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और फीमेल का निगेटिव है, और उसमें अगर उन दोनों की विवाह कर दी जाती है, शादी हो जाती है, तो इसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस की घटना देखी जाती है। और ये घटना क्या होती है कि इससे जो उत्पन्न संतान होती है वो केवल एक संतान ही जीवित रहती है, उसके बाद जो भी जब भी ये महिला गर्भवती होगी तो 2 से 3 महीने का बच्चा उसके पेट में रहेगा, मर जाएगा या तो पैदा होते ही मर जाएगा। क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उसकी जो इमियोटिक सैक होती है, जो झिल्ली में रहता है, जब वो फटता है
तो माँ के ब्लड का निगेटिव और पिता का पॉजिटिव मैच कर जाता है, जिससे कि वो बच्चा मर जाता है। इस घटना को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। आप अपने यहाँ भी देखे होंगे, किसी का एक ही बच्चा होता है, उसके बाद होता ही नहीं है। हमारे मोहल्ले में भी एक आदमी है, उनका एक ही बच्चा है, उसके बाद हुआ ही नहीं। बेचारे 15 साल से ट्राई मार रहे हैं, उनको कौन समझाए भैया एरिथ्रोब्लास्टोसिस है, डॉक्टर की मदद लीजिए। इसके लिए यहाँ एक तरीका है, प्री मेच्योर डिलीवरी करा दिया जाता है कि जब वो महिला गर्भवती रहती है तो 9 महीने से पहले ही, 8 महीने पर ही उस महिला का मतलब ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को निकाल लिया जाता है, ताकि अंदर का इम्यूनिटिक सैक फटने से पहले ही बच्चे को निकाला जा सके। तो इतना समझ में आ गया आप लोग को ब्लड ग्रुप के बारे में, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होता है। आप सब अपने अपने ब्लड का फिगर बनाएंगे, माइक्रोस्कोप है तो चेक भी कर लीजिएगा अपना अपना आप ब्लड ग्रुप। बोले थे कि पूरा ब्लड ग्रुप जो है वो हम आपको 3 पार्ट में पढ़ा देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिए, ये पार्ट 3 था। ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम पार्ट 4 बना रहे हैं। उसमें आपको पार्ट 4 में वो बता देंगे कि अगर पिता का ए है माता का बी है तो बच्चे में किस ब्लड की संभावना होगी। वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है चार्ट और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस पार्ट 3 को यहीं रोकते हैं। पार्ट 4 में हम आपको माता पिता वाला समझा देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। जय हिंद।